हे गाइस, मेरा नाम है चंद्रशिन जडेजा और आप देख रहे हैं सीजे टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला जिससे कि आप अपने 1500 रुपीज सेव कर सकते हो। तो ये ट्रिक ये है कि आप जब भी एक नया लैपटॉप लेते हो ऑफलाइन मार्केट से, तो वो लोग आपको ये चीज बताते हैं कि आपका विंडोज क्रैश हो जाएगा तो आपको 4000 तक का एक प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ेगा, तभी आपका विंडोज फिर से चालू होगा, वरना नहीं होगा। और आप वो हमें 1500 रुपए दो तो हमें आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के देंगे जिसमें आपका बैकअप होगा। तो ये चीज उनके साथ बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपको ये आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो, तो आपके 1500 रुपीज सेव हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए। कंट्रोल पैनल ओपन करके ये जो व्यू है उसको लार्ज आइकन्स पे सेट कर दीजिए और यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन ढूंढिए। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और आप अपना 16 GB का पेन ड्राइव अंदर इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे यस क्लिक करना है और यस क्लिक करने के बाद आपको जो आएगा वहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है और जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। आप एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो ड्राइव सिलेक्टेड है वो वही ड्राइव है जिसमें आपको रिकवरी बनाना है, क्योंकि ये आपका पेन ड्राइव का पूरा डेटा उड़ा देगा। एक बार चेक कर लीजिए, नेक्स्ट। और यहाँ पे भी वही जो मैंने अभी आपको बताया वही है कि आप एक बार अपना अगर कोई डेटा रहेगा तो उसको बैकअप कर लो, ये पूरा डेटा उड़ा देगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं स्किप कर दूंगा और हो सका तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता दूंगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो पूरी तरह से बैकअप हो चुका है विंडोज़ का। तो चलिए मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर खोल के बता देता हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा।